हेलो एवरीवन, बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? इट्स द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम पंचर ऑफ ब्लड वेसल टिल स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, अपने आप। ओके, प्लेटलेट फंक्शनल सेस कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। नॉर्मल टाइम है 2 to 6 मिनट। क्लॉटिंग टाइम किसे बोलते हैं? पंचर ऑफ ब्लड वेसल से लेके फिब्रिन फॉर्मेशन तक की टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं हम क्लॉटिंग टाइम। ओके, 3 to 8 मिनट। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की फंक्शन असेस कर रहे होते हैं हम यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट फंक्शन असेस कर रहे होते हैं। ओके, अब अप्लाइड में पूछा जा सकता है कि हैम्पर कब होगा, तो इंक्रीज बीटी कब होगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग कब होगा और नॉर्मल सीटी कब होगा, जब प्लेटलेट नहीं होंगे, या तो डेंगी फीवर या फिर वॉल डिफेक्ट होगा परप्यूरा। ओके, इंक्रीज इन सीटी, क्लोटिंग टाइम कब प्रोलॉन्ग होगा, जब क्लोटिंग फैक्टर्स की प्रॉब्लम होगी। तो हीमोफीलिया इज द कंडीशन, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है इसमें और विटामिन के जो कि बनाती है इन फैक्टर्स को 2, 7, 9, 10। ओके, तो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी से भी देयर इज प्रोलॉन्ग सीटी। थैंक यू।